दोस्तों स्वागत है आपका क्वांट वर्सेस मैथ्स के इस सेशन में जहां पर हम सीखते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैथ्स वाली अप्रोच और क्वांट वाली अप्रोच और दोनों में डिफरेंस ये सवाल आपके सामने है राइट द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज बनाना एंड द कॉस्ट ऑफ बनाना इज ऑरेंज

तो मतलब बनाना की कॉस्ट अगर वन है तो एप्पल की कॉस्ट मतलब ज्वाइन मतलब तो right? करने के लिए बनाना को यहाँ थ्री बनाएंगे यहाँ पर ऊपर नीचे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्पल इज टू बनाना इज टू ऑरेंज एक एप्पल एक बनाना और एक ऑरेंज की कॉस्ट का रेशियो हमें मिल जाएगा મેય બતાના હે કે 4 બનાના 2 એપલ ઓર 3 ઓરેન્જ કી કોસ્ટ મે નેટ પર્સન્ટેજ ચેન્જ કિતના આયેગા તો 4 બનાના યાની કે 4 એન્ડ 2 એપલ્સ યાની કે ઇનટુ 2 રાઈટ એન્ડ 3 ઓરેન્જીસ તો યાની ઇનટુ 3 ઠીક હે તો યે જો હે انકી કોસ્ટ કા રેશિયો હો જાયેગા انકી ઓવરઓલ કોસ્ટ કા રેશિયો ક્યા હોગા 12 12 એન્ડ 12 રાઈટ યાની કે 1:1:1

अगर मैं नेट चेंज निकालूंगा तो यहाँ पर वेटेड एवरेज लगाऊंगा एन वन एन एन टू एन थ्री लॉन्ग प्रोसेस है ना इसमें कम से कम आपको करने में एक मिनट से ज्यादा का समय या एक मिनट के आसपास का समय तो लग ही जाएगा राइट राइग? अब व्हाट इज क्वांट अप्रोच टू तो सॉल्व दिस क्वेश्चन है ना क्वांट वाली अप्रोच यानी कि जो आइडियल अप्रोच है एग्जाम में वो क्या होनी चाहिए आप जरा समझिएगा देखो हर एक टाइप के फ्रूट में 10 परसेंट का चेंज आया तो ओवरऑल भी 10 ही परसेंट होगा एक वन सेकंड में मैं आंसर कह सकता हूं चाहे इनकी क्वांटिटी का रेशो कॉस्ट प्राइस का रेशो चाहे कुछ भी हो है ना चाहे ये कुछ भी हो अगर तीनों का चेंज टेन परसेंट टेन है तो ओवरऑल भी टेन परसेंट के अलावा कुछ हो नहीं सकता है ना बिकॉज यू नो कि जो नेट चेंज होता है वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाया करता है नेट चेंज हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाया करता है बट क्योंकि ये तीनों की तीनों वैल्यूज बराबर ही हैं, तो नेट चेंज भी उतना ही होने वाला है है ना इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इट्स अ अंपल कॉन्सेप्ट अगर सारी वैल्यूज में परसेंटेज चेंज सेम है तो ओवरऑल भी उतना ही होने है. तो ये थी इसकी क्वांट अप्रोच जिसके थ्रू आप वन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं लेकिन नॉलेज होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है ठीक है एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ये सवाल है आपके लिए होमवर्क ठीक है इसको सभी लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे और कॉमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे और ये टेक्निक आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ये सीरीज इस तरीके से चलेगी जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस बताता रहूंगा हाईलाइट करता रहूंगा क्वांट और मैथ्स में डिफरेंस थैंक यू सो मच